तो गाइस मुझे लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है यूट्यूब पर काम करते हुए, लेकिन कभी मैंने आप लोगों से हेल्प के लिए नहीं कहा कि भाई आप मेरी हेल्प करो, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, क्योंकि कभी ऐसी बात ही नहीं आई, कभी ऐसे हालात नहीं आए कि आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़े, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफी था। लेकिन आज की क्या स्थिति है कि आज तो मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है। इसके बाद मैं शायद वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में हूँ और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आपसे हेल्प हो सके वो मेरे लिए करना। और मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ है और कैसे आपको हेल्प करनी है, पूरी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो वैसे मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, जो भी मेरे चैनल पर आया मैंने उसकी हेल्प करना चाहिए कि भाई तू मेरे चैनल पर आया है तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा, और थोड़ी सी हेल्प उसकी मैंने की। हमेशा लोगों का चैनल प्रमोट किया, बहुत सारे लोगों का चैनल प्रमोट किया। इसके साथ साथ मैंने अपने कुछ हेटर्स भी बना लिए, बहुत सारे हेटर्स बना लिए। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं कि भाई तू तेरे चैनल को ऐसा कर दूंगा, तेरे चैनल को वैसा कर दूंगा, और तेरा चैनल बर्बाद कर दूंगा, तेरा चैनल टर्मिनेट करा दूंगा। और काफ़ी वीडियो भी उन्होंने मेरी हैक कर ली है, जिनसे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फेक डिसलाइक दे दिए। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये फेक डिसलाइक पता नहीं किस तरीके से दिए हैं, और इसका चैनल पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है मेरी वीडियो पे, मेरी वीडियो आगे भी नहीं जा रही है और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये फेक डिसलाइक आ रहे हैं, व्यूज से ज़्यादा डिसलाइक है। अब मैंने इससे यूट्यूब से भी बात की, भाई ऐसा कैसे हो रहा है, तो यूट्यूब ने मेरी हेल्प नहीं की, यूट्यूब ने साफ मना कर दिया कि आपकी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आती है तो लोग डिसलाइक कर देते हैं, और जिसको पसंद आती है वो लाइक कर देते हैं, आप हाइड कर लीजिए अगर आपकी वीडियो पर ज़्यादा डिसलाइक आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मेरी वीडियो पर व्यूज़ के अकॉर्डिंग तो डिसलाइक आएंगे, अब व्यूज़ हैं 1000 और वहाँ पर डिसलाइक हैं 2000, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यूट्यूब ने बिल्कुल भी मेरे से बात नहीं की और सब यानी कि चैट खत्म कर दी, जो भी मैंने चैट की। और मेल आया तो मेल में मेरे को बोला कि आप हाइड कर सकते हो, ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि YouTube मेरे को वार्निंग नहीं देगा कि आपका चैनल हम टर्मिनेट कर रहे हैं, वो सीधी डायरेक्ट टर्मिनेट कर देगा या स्ट्राइक दे देगा कि आप कोई स्कैम कर रहे हो, किसी रोबो का यूज़ कर रहे हो, अपने लाइक यानी कि अपने चैनल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, वो मेरे को कहेगा। लेकिन ये कहीं और से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे मेरे चैनल के साथ हो रही है, मुझे धमकी भी मिल रही है कि तेरा चैनल मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे चैनल प्रमोट नहीं किया, मेरी हेल्प नहीं की। भाई इतने सारे बंदों की मैं हेल्प कर चुका हूँ और कई लोग यानी कि कोई और मुझसे दुश्मनी भी निकाल रहा है कि तेरा चैनल आज मैं बर्बाद करके रहूंगा। भाई मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, जो आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, और कभी मैंने हर कोई बंदा आया मेरे पास मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन आज मेरी कौन हेल्प करेगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कौन मेरी हेल्प करेगा। बस मैं आपसे यह चाहता हूँ थोड़ा सा बस मेरी हेल्प करो, और कैसे हेल्प करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैंने कोई मोनेटाइज नहीं की है और ये क्रिएटिव कॉमन लेसन पे मैंने वीडियो अपलोड की है, आप इस वीडियो का डायरेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं या कोई भी पार्ट अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मेरी जो बात है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो यूट्यूब तक पहुँचे, YouTube तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगी मैं आपको बता देता हूं। मैंने यार काफ़ी लोगों का चैनल प्रमोट किया, मैं आपको दिखा देता हूं काफ़ी लोगों की हेल्प की, लेकिन मैं कभी किसी को बताता नहीं हूं कि मैंने इस भाई की हेल्प की, इस भाई की पैसे से हेल्प की, इस भाई के चैनल पे हेल्प की, कभी भी नहीं बताता हूं। भाई हेल्प करना और जताना एक अलग बात हो जाती है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं और जता देते हैं तो वो हेल्प नहीं होती है। आप में से कई क्रिएटर की मैंने हेल्प की है लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और कोई बंदा आपकी हेल्प करने से रोक रहा है। भाई अगर मैं किसी का चैनल फ्री में प्रमोट करता हूँ, फ्री में किसी की हेल्प करता हूँ, तो आप लोग बताओ क्या मैं गलत करता हूँ? किसी छोटे क्रिएटर की हेल्प कर देता हूँ तो क्या मैं गलत कर देता हूँ? उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता हूँ तो क्या मैं गलत कर देता हूँ? उसको वीडियो अच्छी देता हूँ तो क्या मैं गलत कर देता हूँ? क्या गलत कर दिया? ये वो बंदे हैं जिनकी मैंने हेल्प की है, यहाँ पर मैंने सारा सबको नोट करके रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बंदा नहीं है, एक बंदा नहीं है, बहुत सारे, कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की मैं हेल्प यहाँ पर कर चुका हूँ, यहाँ पर सारा सबको देख सकते हैं, बहुत लोगों की मैंने हेल्प की है, वो भी अपने चैनल के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू मैंने हेल्प की लोगों को। 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर मैंने फ्री दिए हैं, और 1 हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज मेरी कौन हेल्प करेगा? मैंने तो लोगों को काफ़ी हेल्प भी कर दी, लोगों की चैनल भी प्रमोट कर दिया, 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर दे दिया, लेकिन आज मेरी कौन हेल्प करेगा? अगर इसमें से जितने लोगों की मैंने हेल्प की, इसमें से अगर 20 बंदा भी वीडियो बना देता है इस टॉपिक को लेकर कि हाँ सचिन भाई के चैनल पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो YouTube तक बात पहुंच जाएगी, तो YouTube उस चीज़ का समाधान निकाल लेगा कि इस चैनल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कंप्लेंट मेरी पहुंची हुई है। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि भाई कल को ना हो कि मेरा चैनल ही डिलीट हो जाए, मेरा चैनल ही डिलीट हो जाए और मैं आगे भी कुछ ना कर पाऊँ, तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा या मेरे कुछ हो जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगी, और इसके बाद मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि
मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा हेट होगा, लोग मेरी वीडियो को मेरे कंटेंट को ही गलत समझेंगे। काफ़ी लोग कह रहे कि तूने हाइड कर दिए, लाइक डिसलाइक हाइड कर दिए, तू इतना बेकार कंटेंट बनाता। भाई पूरी वीडियो देखो, मेरे चैनल पे जाके देखो यार कौन सी वीडियो गलत बना दी, यदि कि सारा सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से बताया, बहुत लोगों की हेल्प की, फिर भी यार मुझे यही रिजल्ट देखने को मिला कि आज मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। मेरी हेल्प, थोड़ी सी हेल्प कर दो, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं आप लोगों से, बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि मैं इस टाइम क्या कंडीशन में हूँ मैं आपको नहीं बता सकता क्या बीत रही होगी। आपके वीडियो पर अगर 10-20 लाइक डिसलाइक आ जाते हैं, लाइक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन मेरी हर एक वीडियो पर आ रहा है। और मुझे धमकी दी गई कि तेरी हर एक वीडियो पर डिसलाइक आएगा और तेरा चैनल टर्मिनेट होगा, तेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा, तू भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी धमकी मुझे मिल रही है और काफ़ी लोग मेरे से जले हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, पता नहीं क्यों हो जाए, किस बात का हेट है, मैंने उनके साथ क्या गलत किया ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप बताओ, कभी कोई चीज़ मैंने आपके साथ गलत की हो, या आपके चैनल के साथ कोई प्रॉब्लम की हो, या आपकी मैंने हेल्प ना की हो। अब इसके बाद मैं कोलैबोरेशन सीरीज स्टार्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था छोटे क्रिएटर हैं उनको कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए, उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, उनकी वीडियो को मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला था, और मैंने उसके लिए चैनल भी सिलेक्ट किए थे। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पर फ्लैग करे हुए हैं, जो जो मेरे साथ कोलैब करने वाले थे और उनके साथ मैं कोलैब करने वाला था, सारा मैंने फ्लैग करके रखा है। इसकी वजह से मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ, तो इसमें और कुछ मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कहाँ से क्या हेल्प करूँ, मैं खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर सकता। कोई टेक्निकल इशू होता तो मैं उसको सही कर लेता, लेकिन ये यूट्यूब ही सही कर सकता है। तो आपको अगर थोड़ा सा, यानी कि आप बना सको वीडियो तो थोड़ी सी बना देना, या इसी वीडियो को शेयर कर देना, बस थोड़ा सा YouTube तक बात पहुंच जाए यार, किसी भी तरीके से मेरी हेल्प कर दो, बस इतनी सी हेल्प कर दो, बस थोड़ा सा, यानी कि मैं आगे यानी कि बता सकूं YouTube को कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मेरे चैनल को नहीं देख रहा है इस टाइम। इतना मैं बात कर चुका हूं पूरी कंप्लीट तरीके, जितना मेरे से हो सका मैं कर चुका हूं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ करोगे तब होगा। क्योंकि यार ये देखो गलत है, हम किसी क्रिएटर से जल के उसके कंटेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते उसके, यानी कि आप मेरे को बोलो वीडियो बनाओ, मेरे को गाली दो, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो मेरे पे रोस्ट करो, एक्सपोज करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे वीडियो पे यार कभी नुकसान करो कि मेरे को लोग इतना हेट करते हैं, इतनी गाली देते हैं, मैं उनके चैनल पे जाके कुछ भी कर सकता हूं, नहीं करता हूं मैं क्यों करूं, क्योंकि सब भाई यार एक जैसे हैं, मेरे जैसे ही हैं, तो मैं यहाँ क्यों करूँ। मैं लोगों की हेल्प करना और हमेशा हेल्प करता रहूँगा, मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की, बस मैं अब देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन हेल्प करता है। आज मैं मुसीबत हूँ तो मेरी कौन हेल्प करेगा, मैं बस इतना देखना चाहता हूँ, और आप लोगों को मेरी हेल्प भी करना चाहिए। शायद मेरी ये लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कंडीशन में कुछ सोच पाऊँगा, कुछ समझ पाऊँगा, या आपको कुछ सिखा पाऊँगा, या वीडियो भी अपलोड कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता। बस आपका अगर सपोर्ट सही रहा तो आगे कुछ हो सकता है, वरना तो देखो यार आपके ऊपर रहा और YouTube के ऊपर रहा कि वो क्या एक्शन लेता है, मेरी हेल्प करता है या नहीं करता है। बस यार इतना ही था, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करिए मेरे लिए, कुछ करिए, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। एक वीडियो से आपका कुछ नहीं होगा, मेरे को बताइए कि भाई आपके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसको प्रमोट कर दूंगा ताकि उस पर व्यूज आए, ताकि वो बात पहुँचे यूट्यूब तक, YouTube तक बात पहुंच जाएगी, तो मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा कि हाँ तुम्हारे चैनल पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो फेक चीज़ें आ रही हैं, जो फेक स्पैम हो रहा है, उसको बंद कर सके। तो बस गाइस इतनी सी रिक्वेस्ट है और देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस अब मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करने वाला हूँ और क्या क्या होगा, और देखते हैं कि आप लोग क्या सपोर्ट दिखाते हो, कैसे करके मेरी हेल्प करते हो। कुछ भी यार करना, इस वीडियो को पूरा पूरा अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, कुछ भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, ये बात मेरी YouTube तक पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बस मेरी हेल्प करने की कोशिश करना, थोड़ी सी हेल्प कर देना अपने भाई की, आज भाई प्रॉब्लम में है, कभी आप प्रॉब्लम में आओगे तो आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। चैनल ना होने के बावजूद भी आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको नंबर भी दूंगा उस पर करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बस गाइस इतना था और देखते हैं आगे क्या होता है।